अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री 2018 को समझने जा रहे हैं। तो इसमें आइए हम चैप्टर समझने चलते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जिसमें एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एटॉमिक मास, मोल, एवोगाड्रोस नंबर, लिमिटिंग रिएक्टेंट और सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन, और इसके साथ साथ रूल जो है वो इस साल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में एग्जांपल नंबर 1.2, जो कि पेज नंबर 5 पर है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सिंटेक्स बुक बोर्ड पर, वो इस साल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एग्जांपल नंबर 1 और 2, मास मास रिलेशन, जो कि स्टोइकोमेट्री के न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। और एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2, मास वॉल्यूम रिलेशन के, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 1 प्रोग्रेस टेस्ट 1 की हम बात करते हैं, जो कि चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चन नंबर 1 का बी, क्वेश्चन नंबर 2 के ए और बी, और क्वेश्चन नंबर 3, 7 और 9 इस साल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। इस चैप्टर में जनरल गैस इक्वेशन, नोट्स जो कि सरफेस टेंशन से रिलेटेड, विस्कोसिटी और वेपर प्रेशर से रिलेटेड, ये तीनों नोट जो हैं वो इस साल के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ डिफरेंस बिटवीन आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म, डेरिवेशन ऑफ बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ, और चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल, जिसमें प्रॉब्लम नंबर 1 जो कि सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पेज नंबर 47 पे मौजूद है, प्रॉब्लम नंबर 1 और 2 जो कि पेज नंबर 50 और 51 पे मौजूद है, वो भी इस साल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और प्रोग्रेस टेस्ट 2 जो कि इस चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 22 और 23 इस साल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इस साल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बोहर्स थ्योरी, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम की डेरिवेशन, साथ ही साथ मुख्तलिफ एटॉमिक नंबर जो हमें सवाल में दिए जाते हैं और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें मालूम करनी होती है, वो भी इस साल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रदरफोर्ड मॉडल, एक्सरेज एंड एटॉमिक नंबर, ये टॉपिक भी इस साल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इस चैप्टर में क्वांटम नंबर्स, हेजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और प्रोग्रेस टेस्ट 3, जो कि इस चैप्टर 3 के एंड में एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 का सी और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इस चैप्टर में वेव नंबर मालूम करने से रिलेटेड न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक में मौजूद नहीं है, वो 5 ईयर से जरूर कीजिएगा, जिसमें लाइमन सीरीज, बामन सीरीज, पेस्टियन ब्रैकेट और फन सीरीज से रिलेटेड वेव नंबर मालूम करने के जो न्यूमेरिकल हैं उनकी प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है। चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग, इसमें डेफिनेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड और उसके वो डिटेल हमें एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ NaCl, साथ ही साथ कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन और इसकी टाइप्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन और इसकी टाइप sp3, sp2 और sp1 को ही तैयारी करनी है आपने, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के दरमियान डिफरेंस, और इस चैप्टर नंबर 4 में हमें सिंपल मॉलिक्यूल्स के शेप के बारे में हमसे सवाल कहा जाता है, वो भी हमें करना है, आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड का टॉपिक भी इस साल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 5, एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसमें हमें कुछ डेफिनेशंस की तैयारी करनी होगी, सिस्टम, सराउंडिंग स्टेट्स, हीट ऑफ फॉर्मेशन, थर्मोकेमिस्ट्री, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस की हमें डेफिनेशन की तैयारी करनी है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, और फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसकी डेरिवेशन, प्रोसेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इस साल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और हेसेस लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट हीट समेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, ये भी इस साल के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट टॉपिक में प्रोग्रेस टेस्ट 5, जो कि चैप्टर नंबर 5 की एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 4 का बी, क्वेश्चन नंबर 5 का बी, क्वेश्चन नंबर 6 का ए एंड बी और क्वेश्चन नंबर 7 का ए और बी, ये न्यूमेरिकल इस साल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 6 की हम बात करते हैं, जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसकी मदद से हम इक्विलिब्रियम लॉ, जो कि लॉ ऑफ मास एक्शन का दूसरा नाम है, उसको ड्राइव करना होता है, उसकी डेरिवेशन इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ली चैटलियर्स प्रिंसिपल और उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन,
दो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, या तो एग्जाम में जो है वो दोनों में से एक करने को आती है, या किसी एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का नाम दिया हुआ होता है और हमें वो सॉल्व करना होता है। इसी तरीके से रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी इस साल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंड टू विच रिएक्शन प्रोसीड, ये भी हमें केसीज की वैल्यू दी हुई होती है और हमें मालूम करना होता है कि रिएक्शन अब फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, वो भी इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का टॉपिक भी इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर 6 याद रहे, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल जो है वो चैप्टर 6 के ही है पूरी केमिस्ट्री में। तो एग्जांपल नंबर 1 जो कि पेज नंबर 171 पर है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सिंटेक्स बुक बोर्ड में, एग्जांपल नंबर 3 जो कि पेज नंबर 173 पर है, एग्जांपल नंबर 4 और 5 जो कि पेज नंबर 175 पर है, और प्रोग्रेस टेस्ट 6 जो कि पेज जो कि एक्सरसाइज चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 6, 8, 12, 13, 14 का बी पार्ट, 16 का बी पार्ट और 17 का ए बी और सी तीनों पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 7 सॉल्यूशन इन इलेक्ट्रोलाइट, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर, एसिड एंड बेस, बफर सॉल्यूशन, न्यूट्रलाइजेशन और बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉनिक मेथड इस साल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और प्रोग्रेस टेस्ट नंबर 7 जो कि चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 5 का बी, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10 इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स, इसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन रिएक्शन वेलोसिटी, ये भी इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, और फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन का लॉन्ग सवाल बनकर आता है, ये भी इस साल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और डिटरमिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मुख्तलिफ सवाल हमें दिए जाते हैं और कहा जाता है कि अगर इसकी कंसंट्रेशन में हम इतना इजाफा करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या फर्क पड़ेगा, तो ये 10 ईयर में इस किस्म के काफी सवाल मौजूद हैं, वो भी इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर 8 में एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 जो कि पेज नंबर 30 में मौजूद है टेक्स्ट बुक के, और प्रोग्रेस टेस्ट 8 के जो कि बुक के एंड में एक्सरसाइज ये सवाल मौजूद हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 ये सवाल जो है वो इस साल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, और अगर आपके जहन में किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो आप हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज जो कि डॉक्टर लियसगर के नाम से है उस पर आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। याद रहे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सिंटेक्स बुक बोर्ड का एक फोल्डर हमारे सिंध बोर्ड टीचिंग के चैनल पे मौजूद है जिसपे हमने एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जो है वो ऑलरेडी काफी अपलोड किए हैं, तो वो देखना मत भूलिएगा। आज ही हमारे चैनल को विजिट करें, विजिट करने के बाद प्ले लिस्ट का लिस्ट पर आ जाएं ताकि आप फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर फिजिक्स, सेकेंड ईयर फिजिक्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी और सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर तलाश करने में आपको कोई परेशानी ना हो।